हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खैरुल और आप देख रहे हैं सनराइज ट्यूटोरियल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, जो हमेशा हर एक एग्जाम में आता है। वो आपको मान लेना है कि ये क्वेश्चन आपको मिलना है, ज़रूर मिलना है। किसी भी एग्ज़ाम हो जाए, आप बैंक का जाइए, फिर यूपीएससी जाइए, फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर में जाइए, या आप गेट एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यही पार्ट का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर रहता है। इसीलिए उस पार्ट को मैं आज कवर करने वाला हूँ। अब जरूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आप जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और ट्रिक्स भी मिलेगा, आपको टिप्स भी मिलता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स का जो मैं टिप्स देता हूं, वो भी आपको जरूर मिलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है, अब मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, टू ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, टूअर्स रिलेटिव होने के लिए दो ऑब्जेक्ट तो जरूरी है, टूअर्स ईच अदर। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो दो पॉइंट है, तो ये दोनों का डिस्टेंस है आपका उतना किलोमीटर, तो ये दोनों, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो टूअर्स ईच अदर हो रहा है ना। हाँ, तो ये दोनों इस तरफ आ रहा है, तो कितना टाइम पे, ये एक पॉइंट है, तो कितने टाइम पे इन लोग मीट करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है, मतलब ए टू सी, ये ए टू सी डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस में वो दोनों मीट कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप ये देखिए कि आप कुछ सोचिए मत, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है वो सब मत सोचिए। आप देखिए, ये वाला एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला एक स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट में ये इतना किलोमीटर मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आर, और ये 15 किलोमीटर पर आर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ये कितना किलोमीटर एक घंटा में जाता है, 20 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर एक घंटा में, 15 किलोमीटर। तो दोनों अगर ये इस तरफ से 20, ये इस तरफ से 20, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है, कि टोटल डिस्टेंस जो डिक्रीज हो रहा है कितना है, 35 किलोमीटर, कितने घंटा में, एक घंटे में, ठीक है। तो अगर 35 किलोमीटर एक घंटा में इन लोगों का कंप्लीट होता है, तो 140 किलोमीटर कितना टाइम पे आपका कंप्लीट होगा, तो ये कर दीजिए 7 से 5 7 से 20, मतलब 4, तो ये 4, 4 घंटे में इन लोग क्या कर जाएगा, दोनों मीट कर जाएगा, किस पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, तो ये इस तरफ, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 140, तो कितना डिक्रीज होता है एक घंटा पे, ये 20 प्लस ये 15, तो दोनों मतलब एक कवर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको, ये 140 से ये कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है आपका, 35 किलोमीटर एक घंटा पे, तो 35 किलोमीटर अगर एक घंटा में इन लोगों का कंप्लीट हो रहा है, तो 140 कवर करेंगे तब ना मीट करेंगे, इसीलिए 140 किलोमीटर में, किलोमीटर कितना घंटा में आपको ये रीच करेंगे, इतना किलोमीटर में, ठीक है। अब हमको, हमारा क्वेश्चन क्या है दूसरा, ए सी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो आप देखिए, इस पॉइंट पे क्या है, ए है, तो ए कितना किलोमीटर पर आवर में जाता है, 20, और कितना टाइम पे, 44, तो ये कितना हो जाता है, 4 किलोमीटर। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा था, 35 हुआ था ना, तो इसका मतलब ए प्लस बी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो दोनों का स्पीड को हम लोग अगर ऐड कर देंगे, तो वो हो जाता है हमारा क्या, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन बता रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर सेकेंड टाइम। मतलब पहली बार तो आप चार घंटे में इन लोग कंप्लीट कर दिए थे, चार घंटे में मीट हो गए, लेकिन अब कितना मिनट, कितना सेकंड टाइम के लिए, अब कितना टाइम के बाद उन लोग मीट करेंगे। तो आप देखिए, पहला अब इसमें से जा रहा है, यहाँ तक गया, फिर ये तो एक बार मीट हो गया, फिर इधर गया, फिर ये ए का बात कर रहा हूँ, इधर गया, फिर वापस इधर आया, ठीक है। तो फिर वापस ये इधर आया, तो ये बी जो है ये इस तरफ आया, फिर ये वापस इस तरफ जाएगा, तो कितना फिर मीट करेगा, ये पॉइंट पे मान लीजिए अब मीट कर दिया, तो ये जो कितना है टोटल डिस्टेंस, 140,
बी बी ने पूरा 140 किया, ए ने भी पूरा 140 किया, तो कितना 140 हुआ आपका, दो 140, 140 हो गया। अब तीसरी दूसरी बार जब मीट करने वाले तो तब भी तो 140 होगा ना दोनों मिला के, तब भी ये 140 हो गया। अब डिवाइडेड बाय क्या है, क्या उन लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी जो 35 था, तो हमारा क्या है ये हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे, तो टोटल आपका 12 आवर्स के बाद इन लोग दोबारा मीट करेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं उसमें 4 प्लस 4 इंटू 4, चलिए सेकंड का कितना था 4 प्लस 4 इंटू 2, थर्ड के लिए 4 प्लस 4 इंटू 4, अब फोर्थ के लिए आपका 4 प्लस 4 इंटू 6, आप दो दो मल्टीप्लाई बढ़ाते जाइए, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, आप जितने टाइम पूछ रहे हैं आप उतने टाइम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, एक ट्रेन है, ये जो भी है एक आदमी है यार, बी भी एक आदमी है, तो ये 6 o'clock में ए छोड़ता है, अगर 6 o'clock में इस पॉइंट से छोड़ता जाता है तो ये 12 o'clock में इधर पहुंचता है, अगर ये बी 6 o'clock में इधर से निकलता है तो इधर आके आपको 11 में मिलता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कितने टाइम पे दोनों मीट करेंगे, ठीक है, तो हमको यही निकालना है। तो देखते हैं, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, तो पहले इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलिए ये बताइए ये कितना टाइम में पहुंचता है इधर, हाँ 5 6 से, हाँ 5 आवर्स में पहुंचता है, और ये 6 आवर्स, ये कितना 6 आवर्स, तो आपका डिस्टेंस तो पता है एक्स, टाइम कितना है पता है आपका 6, तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स बाई 6, और वेलोसिटी ऑफ बी आपका हो जाएगा एक्स बाई 5, तो ये दोनों का वेलोसिटी हो गया। अब ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग करेंगे तो क्या होगा एक्स, ठीक है, मान लेते हैं एक्स, ये टोटल डिस्टेंस है, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ये इस तरफ ये इस तरफ अपोजिट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं दोनों को, तो करते हैं एक्स बाई 6 प्लस एक्स बाई 5, तो आप उसको सॉल्व कीजिए, ये x हो जाता है ये आपका 6 11 x डिवाइडेड बाई 30, ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो कितना होता है 30 डिवाइडेड बाई 11, आपका कितना होता है 2 आवर्स समथिंग, आपका 11 by 8 by 11 आपका मिनट्स, तो लगभग आपका 43 मिनट्स तक आपका पहुंच जाएगा ये। तो हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा शॉर्टकट, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग जान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो ये जो दोनों है इसमें कितना है 6 आवर्स, इसमें कितना है 5 आवर्स, तो अगर हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हम लोग मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमको ये मिल गया तो हमारा ए का वेलोसिटी क्या मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या है बी का क्या हो जाएगा ये 30, मतलब एलसीएम लिए थे इस कितना टाइम लगा ये कितना टाइम लगा, ये दोनों का एलसीएम हमारा क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस है, और वेलोसिटी क्या है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ट्रेवल, तो कितना है इसमें 5 हो रहा है, बी का क्या होता है 6 किलोमीटर पर, रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों को प्लस करना है 11 हो जाएगा, अब टोटल डिस्टेंस क्या है 30 डिवाइडेड बाय 11, यही आपका हो गया दोनों, देखिए हाँ, तो इसका आंसर ये है 2 hours 43 minutes में पहुंचता है, इसका मतलब क्या हुआ 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो 8:43 में AM में वो पहुंच दोनों मीट कर देगा, तो ये था पहले वाले का क्वेश्चन। तो अभी दूसरा क्या है, एक ए है दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ए स्टार्ट करता है 6 o'clock और पहुंचता है 11 o'clock, बी स्टार्ट करता है 7 o'clock पहुंचता है 12 o'clock, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि उसमें पहले वाले में क्या था दोनों आदमी या दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें क्या है सेम टाइम में नहीं डिफरेंट टाइम में, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना पड़ेगा। तो कितना आवर्स लगता है इसको, ए को 5 आवर्स लगता है और बी को भी 5 आवर्स लगता है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग एलसीएम ऑफ दिस, ये दोनों का एलसीएम कितना है हमारा 5 है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो मान लेते हैं ये ए है ये पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में क्या है 5 किलोमीटर, तो अब देखिए 5 किलोमीटर पहुंचने के लिए उसको 5 घंटा लगता है, इसका मतलब इसका कितना है 1 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो बी का भी 5 किलोमीटर पहुंचने के लिए 5 आवर्स लगता है, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है उसका,
चलिए ठीक है, लेकिन दोनों सेम टाइम में स्टार्ट नहीं होते, इसीलिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। देखिए ये 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो लेटेस्ट कौन सा है, 7 वाला, तो ये 6 बजे, तो हम लोग अगर इसको 7 बजे तक लेके चले जाते हैं तो उसको प्रीवियस वाला प्रॉब्लम के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए अगर 6 बजे स्टार्ट हुआ, 7 बजे तक कहाँ पहुँचेगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटा में ये यहाँ पहुँचता है, लेकिन 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, ये 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर खत्म हो गया, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर। तो अब क्या हुआ, 4 किलोमीटर, ये दोनों को, तो ये 4 किलोमीटर में इन लोग कितना टाइम में मीट करते हैं, तो हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना है 4, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होता है 2, तो इसका मतलब ये 2 आवर्स में इन लोग पहुंच जाते हैं, इसका मतलब 9 o'clock में इन लोग क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। ठीक है, 9 o'clock या 9 AM जो भी है आपको, ये उतना टाइम पे वो दोनों मीट कर देंगे। हाँ, तो ये वाला प्रॉब्लम की उसकी तरफ से जैसा है सेम है, तो ए और बी पॉइंट है, तो ए कितने बजे स्टार्ट करता है, 6 बजे, बी कितने बजे, 8 o'clock, तो पहुँचता है 12 बजे, और ये पहुँचता है आपका 11 बजे, तो इसका कितना आवर्स हो जाता है कि 5 आवर्स, ठीक है, और इसका 4 आवर्स, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का हम लोग पहले क्या बताए थे, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना है, 4 एंड 2, 4 एंड 5 का 20, तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, तो दोबारा इसको बनाते हैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर। अब क्या बोला था उसमें कि लेटेस्ट टाइम तक हमको ले जाना है, ए को लेटेस्ट टाइम तक ले जाना है, लेकिन उससे पहले हमको स्पीड निकालना है, ए का स्पीड क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, अगर 5 घंटा में पहुंच रहे तो इसका मतलब ये है आपका 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर वो जा रहा है 4 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 किलोमीटर कितने में, ये हो गया, तो आपका 4 4 ये टोटल 8 हो जाता है, तो बचा कितना, 12 किलोमीटर। लेकिन क्यों कर रहे थे, क्योंकि लेटेस्ट टाइम क्या है 8, तो यहाँ पर अगर 2 किलोमीटर वो चल जाएगा तो 8 बजे, ये भी 8 बजे, तो सेम टाइम में हो रहा है। तो अब देखिए उसको क्या करना है, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के जैसे सॉल्व करना है इसको, रिलेटिव वेलोसिटी के, तो ये क्या है आपका, ये 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर, मतलब इसका स्पीड हो जाता है 20 डिवाइड बाई 4, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड क्या हो जाता है, इस पर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये दोनों का ये डिस्टेंस हो गया, और ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ए प्लस बी, इसका मतलब 4 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 9, तो इसको डिवाइड कर देना है, तो आपका टोटल टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम में हम लोग मीट कर रहे हैं, तो 3 से कीजिए, ये हो जाता है, तो कितना है 1.33 या 1/3, तो आपका 1 घंटा 20 मिनट्स में पहुँच जाता है, इसका मतलब 9:20 AM में इन लोग मीट कर देगा। तो अभी समझ में आया होगा आपका, ये पहले वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम जैसा ही है, आप उसको देखिए दोबारा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि लेटेस्ट टाइम में हमको इक्वेट करना है, ठीक है ना। ये सेकंड टाइप का है जो मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे है एक डिस्टेंस है, मान लीजिए कुछ भी है, मान लेते हैं इसको 20 या जो भी है, एनीथिंग, छोड़िए इसको, तो ए कितना जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और बी जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी इसमें भी है, लेकिन उसमें क्या देखना है आपको, देखिए ए यहाँ से 20 किलोमीटर्स पहुँच जाता है 1 घंटा में, कहाँ तक, 20 में, और बी, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, बी कितना टाइम चला जाता है 15 किलोमीटर्स, ये 15 किलोमीटर्स तक चला गया। अब हम लोग रिलेटिव में क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस कितना है, दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर लिए, या दोनों का डिस्टेंस में कितना ये है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, ये 20 किलोमीटर्स है और ये 15 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस आपका हो जाएगा 20 माइनस 15 इज़ इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है, 5 किलोमीटर्स 1 घंटा में लोगों, तो ये मतलब हो गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं तो दोनों का स्पीड को अगर आप माइनस कर देंगे बड़ा वाला से छोटा वाला को, तो आपका ये हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो अब अगर 1 घंटा में इन लोग 5 किलोमीटर पहुंच रहे हैं तो 2 घंटा में 10 किलोमीटर, 3 घंटा में 15 किलोमीटर, तो ऐसे करते जाएगा। हाँ, तो सेकंड टाइप वाला मूविंग सेम डायरेक्शन वाला एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम जैसा है, आप चोर पुलिस और चोर का जो खेल होता है वो थीव। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए एक ए जो चोर है, ए जेल से भाग गया,
ठीक है, वो कितना किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर में वो भाग रहा है। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स, कितना है, 2 घंटा बाद पुलिस उसको पकड़ने के लिए निकलती है, कितना किलोमीटर स्पीड में, पुलिस कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर स्पीड में वो निकलती है, ठीक है, पकड़ने के लिए। तो अभी क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम ये जो पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना दूरी जेल से, कितना दूर फ्रॉम जेल, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम जेल द थीफ विल कॉट, ये है आपका क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये पुलिस 2 घंटा बाद जा रहा है, ठीक है, तो हमको उतना टाइम पहले निकालना है 2 घंटा तक। तो ए यहाँ से भाग गया, कहाँ तक, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, तो 2 घंटा तो वो भाग चुका है, तो इसका मतलब ये कितना किलोमीटर भाग जाएगा, 40 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका 40। तो इस पॉइंट पे ये जा पहुँचने के बाद हमारा पुलिस क्या करती है, क्योंकि पुलिस हमेशा पीछे रहती है कि नहीं, तो ये क्या है, पुलिस निकलती है कितने स्पीड में, 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए ये 25 किलोमीटर पर आवर, तो अगर सेम टाइम में निकल रहे, मतलब दोनों चल रहे हैं, तो दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है, पुलिस उस चोर से 5 किलोमीटर ज़्यादा भागता है, क्या है, 5 किलोमीटर ज़्यादा, 1 घंटा में भाग जाता है। तो हमारा क्या है, ये टोटल डिस्टेंस जो है, हम लोग इसको पकड़ेंगे कितना, ये हमारा टोटल डिस्टेंस 40। अब ये कितना दोनों का डिफरेंस है स्पीड का, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू अगर जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 5, नहीं तो आप देख सकते हैं ये क्या है कि ये 5 किलोमीटर ज़्यादा भाग सकता है पुलिस चोर से, तो इसीलिए हमारा ये 5 आ गया, स्पीड क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये आपका हो गया 8, तो 8 क्या है, 8 घंटा, मतलब 8 घंटा बाद पुलिस चोर को पकड़ दी। ठीक है, तो अब ये हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, जेल से कितना दूरी में जाके पुलिस चोर को पकड़ा था? तो क्या है, 8 आवर्स उसने तो मूव कर लिया, अब पुलिस का, चोर का हम देखेंगे नहीं, पुलिस का देखेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ से भागा था। ठीक है, पुलिस जेल से भागा था, मतलब जेल के पास से तो भागा है ना, तो कितना किलोमीटर स्पीड में, 25, तो पुलिस का 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अगर हम लोग टोटल टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा टोटल किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर्स में जाके वो चोर को पकड़ता है। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, थैंक यू।